कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के अब एक साल पूरे होने वाले हैं। केंद्र सरकार ने अब आंदोलनकारी लोगों से बातचीत भी बंद कर दी है, लेकिन आंदोलनकारी अब भी आंदोलन जारी रखने की बातें करते रहते हैं। वहीं यूपी चुनाव को देखते हुए आंदोलनकारियों के अगुवा राकेश टिकैत कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गए हैं। वो विपक्ष के लिए माहौल बना रहे हैं और बीजेपी को हराने की बातें कर रहे हैं। अब यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए टिकैत लखनऊ भी पहुंच रहे हैं, लेकिन आंदोलन स्थल पर जो हालात हैं वो आंदोलन की हकीकत को बयां करने के लिए काफी है। बात करें टिकरी बॉर्डर की तो आंदोलनकारियों के टेंट काफी दूर तक लगे हुए हैं, लेकिन इसमें से अधिकतर तंबू में अब ताले लटके दिखाई दे रहे हैं। हाईवे पर बनाए गए आंदोलनकारियों के तंबू अब बस दिखावे के लिए रह गए हैं। आंदोलनकारियों की संख्या अब ना के बराबर है। अब ना तो किसी दूसरे राज्य से आंदोलनकारी पहुंच रहे हैं, ना ही मददगारों का रुख आंदोलन की तरफ दिख रहा है। तंबुओं में संख्या इक्का दुक्का है। ऐसे में जब आंदोलनकारी इधर उधर जाते हैं या फिर घर को लौटते हैं तो तंबुओं पर ताले लगा जाते हैं। कुछ तंबू तो ऐसे हैं जो खाली हैं, कई तो उजड़ ही चुके हैं। एक समय था जब आंदोलन में छोटी से छोटी चीजें आती थी, मगर अब वो मददगार यहाँ नहीं आ रहे हैं। अब 26 नवंबर को बॉर्डरों पर भीड़ जुटाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये भीड़ हो पाएगी इसके लिए अभी तक तो ऐसा कुछ नजर नहीं आया है। बॉर्डर पर आंदोलनकारियों की ऐसी स्थिति देखकर अब यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आंदोलन बस कुछ ही दिन और चलने वाला है। आंदोलनकारियों को भी समझ आ गया है कि उनके आका आंदोलन के नाम पर अपनी राजनीति की दुकान चलाने में बिजी हैं और उनको कृषि कानून से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए अब ज्यादातर आंदोलनकारी किसान धीरे धीरे अपने घर को लौट गए हैं और अब यूपी चुनाव के बाद आंदोलन पूरी तरह से खत्म हो सकता है, क्योंकि सर्वे के मुताबिक यूपी में बीजेपी की वापसी लगभग तय है। ऐसे में बीजेपी की जीत के साथ ही विपक्ष और उनके समर्थक टिकैत को भाव देना बंद कर देंगे, जिसके बाद उनके पास आंदोलन खत्म कर घर लौटने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।